बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत प्यार। पूनम साड़ी कलेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अब मैंने जाना है फिजियोथेरेपी के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी कमर में कुछ दिक्कत आ गई थी, तो फाइनली मुझे पता चल रहा है कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। तो अभी मुझे 6-7 दिन हो गए हैं फिजियोथेरेपी कराते कराते। तो अब वीडियो मैं आज बना रही हूँ क्योंकि घर के काम भी हैं, शॉप के काम भी हैं, पार्सल्स भी पैक करने पड़ते हैं। अब एक नया आजकल फिजियोथेरेपी का ये भी चल गया है, तो मैं वीडियो बिल्कुल बना नहीं पा रही हूँ। तो आज देखो क्या क्या मैं शूट कर सकती हूँ। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं नए इसमें, तो वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो मेरे मेरा कलेक्शन देखना चाहता है, सूट साड़ीज़ हो गई या वुलन कुर्तीज़ जो आजकल चल रही हैं, मेरा नंबर है 6395664116। इस नंबर को सेव करके आप मेरा कलेक्शन देख सकते हैं। तो मेरा ब्लॉग आगे को देखते रहिए। अब मैं घर पहुंच चुकी हूं और मैंने अभी रखे हैं एग बॉईल करने के लिए, क्योंकि आज लंच में निमिष के लिए स्पेशली मुझे बनाना है एग करी विथ राइस। नाश्ता वगैरह मेरा हो गया है और लाइट अभी नहीं है, इन्वर्टर की लाइट चल रही है। अभी मैंने बर्तन वगैरह धोने हैं, फिर मुझे थोड़ा सा मार्केट भी जाना है। तो यहाँ पर मेरी गर्मा गर्म एग करी बन के रेडी हो गई है, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। अब मैंने थोड़ा सा मार्केट का मुझे काम है, मैं उसको करके आती हूँ। और यहाँ पे नन्ना खा रहा है। पापा कैसा बना है, ऊपर देख के बताओ कैसे हैं आप सब लोग। तो आज अब मैं आई हूँ अपने मायके, और यहाँ पे सारा जितना भोग लगा था मंदिर में बागेश्वर में, मैंने आपको बताया था, सारा प्रसाद आ गया है, ये सारा सामान आया है। मैंने स्टेटस में डाला था, वो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। तड़ी गाँव बागेश्वर सरयू नदी से ऊपर को पड़ता है मेरा मायके, जहाँ पे मैंने पहले वीडियो में डाली थी। मैं सोच रही थी इस बार भी मैं जाऊँगी, बहुत अच्छे से व्लॉग बनाऊँगी गोलजू मंदिर में, पूजा का, 56 भोग लगने का। मम्मी पापा ने भोग लगाया था वहाँ, और धर्मशाला का निर्माण भी हुआ था, तो उसका भी उद्घाटन था। पर मैं अपने कमर दर्द की वजह से नहीं जा पाई, जैसा कि आपने मेरा देखा होगा कि मेरी फिजियोथेरेपी चल रही है। तो अब मैं आ गई हूँ नीचे मम्मी के यहाँ, थोड़ा सा प्रसाद वगैरह लेना भी है, और एक अच्छी सी गुड न्यूज़ भी है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी। तो अब मेरा व्लॉग देखते रहिए। जो नए व्यूअर्स हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे हमारा बन गया है बहुत टेस्टी वाला हमारा पहाड़ी नींबू सान के, जो इसको बहुत लोग खटाई भी बोलते हैं, मेरे गढ़वाली भाई बहन इसको खटाई बोलते हैं, हमारे इसमें नींबू सानना बोलते हैं इसको, हो सकता है वहाँ भी नींबू सानना भी कहते हों। इसमें पड़ता है दही, नमक, चीनी, मिर्ची, पीसा हुआ भांग, गुड़, बहुत लोग शहद भी डालते हैं। तो ये हम लोगों का, पहाड़ियों का, उत्तराखंडी भाई बहनों का, ये हमारा कौन सा क्या स्नैक बोलते हैं हमें उसको, पहाड़ी स्नैक ना, कैसा हो रहा टेस्ट करके बता। पहाड़ी स्नैक ही तो हुआ हम लोगों का, एक थोड़ा सा पेट भर पेट जगह पड़ता है इससे, बताइए। अरे बताओ कैसा लग रहा है, बताओ सही कैसा है, टेस्टी है, सही है, कुछ कमी है, हो गया फिर आपको खट्टाई होता है नहीं। गाइस अभी आ चुका है पिज्जा, और ये देखो एक ये, हाँ देखो हम तीन लोग हैं, एक मैं हूँ, एक रिदू है, और एक बेटा कैसे ओपन किया इसको, ओपन कर मैं दिखाती हूँ। बहुत अच्छा बनाया मैंने। तो यहाँ पे बच्चों की मौसी उनको पिज़्ज़ा पार्टी करा रही है। आप इसी तरह से चैनल को देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।